मृह्यते वह्नि यथा दर्शो मलेन च यथोल्बे नावृत गर्भ तथा तेनेदमावृतम् त्रिजगते काम मात्रो सर्वयावरा आगुने ते धूम जथा धूसर दर्शन अथवा जरायु जथा गर्भयावरण कल्पाधिक सब कामेर कारण। अग्नि जेमन धूम द्वारा आवृत थाके, दर्पण जेमन मैलार द्वारा आवृत थाके, अथवा गर्भ जेमन जरायुर द्वारा आवृत थाके, तेमनि जीवात्मा विभिन्न मात्राय एई कामेर द्वारा आवृत थाके। तात्पर्य, जीवेर शुद्ध चेतना साधारणत तीनटि आवरणेर द्वारा आच्छादित हये जाय। अग्नि जेमन धूमेर द्वारा आच्छादित थाके, दर्पण जेमन धूलोर द्वारा आच्छादित थाके, एबं गर्भ जेमन जरायुर द्वारा आच्छादित थाके, जीवेर शुद्ध चेतनाओ तेमन कामेर आवरणे आच्छादित थाके। कामके जखन धूमेर संगे तुलना करा हय तखन आमरा बुझते पारि जे धूम आगुनके ढेके राखलो जेमन आगुनेर अस्तित्व उपलब्धि करा जाय, तेमनि कामेर अंतराले शुद्ध कृष्ण भावना उपलब्धि करा जाय। पक्षान्तरे बला जाय जीवेर अंतरे जखन अल्प विस्तर कृष्ण भावनार प्रकाश देखा जाय तखन आमरा बुझते पारि जे धूमाच्छादित अग्निर मतो जीवर भगवत भक्ति कामेर द्वारा आच्छादित हुए आछे। आगुनेर प्रभावे धूमेर उत्पत्ति हय किन्तु आगुन जालाबार प्रथम पर्याये आगुन के देखा जाए ना। तेमनि कृष्ण भावनार प्राथमिक पर्यायेओ विशुद्ध निर्मल भगवत प्रेम प्रकट हुए ओठे ना। दर्पणेर धूलो परिष्कार करार पर जेमन आबार ताते सबकिछुर प्रतिबिम्ब देखा जाए तेमनि नाना रकम पारमार्थिक प्रचेष्टार द्वारा चित्त दर्पण के मार्जन करबार श्रेष्ठ उपाय हच्छे भगवानेर नाम समन्वित महामंत्र उच्चारण करा। गर्भेर द्वारा आच्छादित जरायुर संगे जीवेर बद्ध अवस्थार तुलनार माध्यमे आमरा बुझते पारि जे ए अवस्थाय जीव कत असहाय, जठरस्थ शिशु नड़ाचड़ा पर्यन्त करते पारे ना। जीवनेर ए अवस्थाके गाछेर संगे तुलना करा जेते पारे, गाछेराओ जीव किन्तु प्रबल कामेर वशवर्ती हये पड़ार फले তারা এমন অবস্থায় পতিত হয়েছে যে তাদের চেতনা প্রায় সম্পূর্ণভাবে লুপ্ত হয়ে গেছে। ধুলোর দ্বারা আচ্ছাদিত দর্পণকে পশুপক্ষীর সঙ্গে তুলনা করা যায় আর ধূমাচ্ছাদিত অগ্নির সঙ্গে মানুষের তুলনা করা যায়। মনুষ্য শরীর প্রাপ্ত হলে জীব তার সুপ্ত কৃষ্ণ চেতনাকে জাগিয়ে তুলতে পারে। ধূমাচ্ছাদিত আগুনকে খুব সাবধানতার সঙ্গে হাওয়া দিতে থাকলে তা যেমন এক সময়ে দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে, তেমনই খুব সন্তর্পণে ভক্তিযোগ অনুশীলন করার ফলে মানুষ তার অন্তরে ভগবত ভক্তির আগুন জ্বালিয়ে তুলতে পারে। এভাবেই মনুষ্য জন্মের যথার্থ সদ্ব্যবহার করার ফলে জীব জড়জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে। মনুষ্য জন্ম লাভ করার ফলে জীব তার শত্রু কাম প্রবৃত্তিকে দমন করতে পারে আর তা সম্ভব হয় সদ্গুরুর তত্ত্বাবধানে কৃষ্ণ ভাবন অনুশীলন করার মাধ্যমে।